मित्रों, हर इंसान के सोने का तरीका अलग अलग होता है। कोई एक तरफ करवट लेकर तो कोई पेट के बल सोना पसंद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके सोने का तरीका आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता जाता है। दरअसल जिस तरह सामुद्रिक शास्त्र के जरिए किसी व्यक्ति के अंगों को देखकर उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसी तरह सोने का तरीका भी आपके बारे में बहुत कुछ बयां करता है। तो आखिर आपके बारे में क्या बताता है आपके सोने का तरीका, आइए मिलकर जानते हैं हमारी आज की इस प्रस्तुति में। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि सामुद्रिक शास्त्र हिंदू वैदिक परंपरा का ही हिस्सा है, जिसमें चेहरे, आभा और पूरे शरीर के विश्लेषण का अध्ययन किया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सोते समय आप जिस भी मुद्रा में सोते हैं वो आपके अवचेतन मन में चल रही बातों को दर्शाता है, जिससे आपके शरीर की हलचल देखकर आपके मन की बात का पता लगाया जा सकता है। पहला, तकिए से लिपट कर सोना। मित्रों, कुछ लोग हाथ पैरों को समेट कर तकिए से लिपट कर सोते हैं और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस तरीके से सोने वाले व्यक्ति अक्सर शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ये लोग काफी संवेदनशील होते हैं और इन्हें छोटी छोटी बात का बुरा लग सकता है। साथ ही इस तरीके से सोने वाले लोग जीवन में खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस करते हैं और यही कारण है कि ये लोग खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए एक तकिए से लिपट कर सोते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार तकिए से लिपट कर सोने वाले लोगों को अपने आसपास लोगों की उपस्थिति काफी पसंद होती है और यही वो कारण है कि वो अपने व्यवहार में काफी मिलनसार होते हैं। दूसरा, पेट के बल सोना। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेट के बल सोना पसंद होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस तरीके से सोने वाले लोग किसी न किसी भय से ग्रस्त होते हैं। इन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाना अच्छा नहीं लगता और ये एक ही तरीके से जीवन को जीना पसंद करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र ऐसे लोगों के बारे में बताता है कि ये लोग मन के साफ होते हैं, जिस कारण उन्हें जीवन में कई बार धोखा भी खाना पड़ता है। इसीलिए ऐसे लोगों को किसी पर भी जल्दी से भरोसा करने से बचना चाहिए। साथ ही आर्थिक लेन देन में भी सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा, एक तरफ करवट लेकर सोना। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति दाएं या फिर बाईं तरफ करवट लेकर सोता है और इस मुद्रा में उसके हाथ पैर बिल्कुल सीधे रहते हों, तो ऐसे लोगों के बारे में सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि ये लोग स्वभाव से काफी ज्यादा सामाजिक होते हैं, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना पसंद होता है। इस मुद्रा में सोने वाले लोग आरामदायक जीवन जीना पसंद करते हैं, लेकिन जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई आने पर ये लोग उसका डटकर सामना भी करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग काफी भरोसेमंद होते हैं, इसीलिए आप इनके साथ अपना कोई भी राज बिना किसी झिझक के साझा कर सकते हैं। चौथा, पीठ के बल सोना। मित्रों, आपने कई लोगों को पीठ के बल सोते हुए देखा होगा और सामुद्रिक शास्त्र की माने तो ऐसे लोग हर बात के प्रति काफी जागरूक होते हैं। ऐसे लोग हर कार्य को पूरी आजादी से करना चाहते हैं और अपने काम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। इस मुद्रा में सोने वाले लोग सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर ऐशो आराम से भरपूर जीवन जीना पसंद करते हैं। पांचवा, सोने से पहले पैर हिलाना। मित्रों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो सोने से पहले काफी समय तक अपने पैरों को जोर जोर से हिलाते हैं और कुछ समय तक ख्यालों में खोए रहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बेवजह चिंता करने वाले होते हैं, जो हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं। और मित्रों, यही कारण है कि ये लोग सोने से पहले भी किसी न किसी बात के बारे में सोचते हैं। छठा, इधर उधर करवट लेना। मित्रों, वैसे तो 95% लोग अपने पूरे जीवन में एक ही तरह की मुद्रा में सोते हैं, लेकिन बाकी के बचे 5% लोग ऐसे भी हैं जो कभी भी एक मुद्रा में नहीं सो सकते। ऐसे लोगों को रात भर करवट बदलने की आदत होती है और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो लोग रात भर इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं वो स्वभाव से बहुत ही भावुक होते हैं। ये लोग दूसरों की समस्या सुनकर स्वयं ही परेशान हो जाते हैं और यही कारण है इन्हें कभी गहरी नींद नहीं आती और फिर परेशान होकर ये रात भर यूं ही करवट बदलते रहते हैं। तो मित्रों, ये थी सोने की वो 6 मुद्राएं
जिनसे किसी भी इंसान के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। आप इनमें से किस मुद्रा में सोना पसंद करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।